अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए एक आपको हम जो रमज़ान की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हम जो है यहाँ पर रमज़ान के जो है ट्रैफिक और लैन ऑर्डर के नाकिस इंतज़ाम को लाइव बताए हैं और रिपोर्ट में पेश कर रहे हैं। हम 3 दिन पहले जो है ट्रैफिक ACP से जो है जाके जो है 6 से 7 जगह हम नुमाइंदगी की थी, निशानदेही करे थे, नुमाइंदगी भी करे, निशानदेही भी करे थे। पंचमहल्ला पेंशन ऑफिस, चार मीनार बस स्टैंड, चार मीनार दवाखाना, सरदार महल, चौक मैदान, मुगलपुरा ग्राउंड, उसके बावजूद 3 से 4 दिन हो जाने के बाद अफसोस तो इस बात की है कि जो है यहाँ पर जो है पहली दफ़े चार मीनार बस स्टैंड के पास जो बैरिकेड्स लगाते हैं, ट्रैफिक का इंतज़ाम होता है, कोई ट्रैफिक के एक जवान मौजूद नहीं, एक लैन ऑर्डर के मौजूद जवान मौजूद नहीं। क्या जो है सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक जो है चालानों के पीछे पड़ी हुई है, फ़ोटो मारना और जो है करोड़ों रुपये जो है उनसे पब्लिक से जो है लूटना, वापस लेना और इंतज़ाम नहीं करना, क्या वजह है? आज जो है उगादी भी है, हमने देखा कि जो है चार मीनार मंदिर के पास लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चार मीनार बस स्टैंड के अंदर एक भी गोला लगावा नहीं है। गोले से मतलब जो है हर वक्त जो है रोशनी की जाती, लैंप्स लगाए जाते हैं। पिछले जो है शबे मेराज और शबे बारात को भी देखा गया कि जो है यहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतज़ाम नहीं थे। हमने 3 दिन पहले ACP साहब से जो है जाके बात की, बात करके निशानदेही की कि साहब यहाँ पर जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। 3 दिन पहले एक एम्बुलेंस रॉन्ग साइड जा रही थी, किसी की जान बच सकती, लेकिन जो है उन्होंने पेपर लिया, लिखा, हमको ऐसा लगा कि उनके माता है तो ऑफिसर्स उसको मिसगाइड करें। ऐसे ऑफिसर्स पे एक्शन लेना चाहिए कि जो है जो ट्रैफिक को प्रॉब्लम क्या हो रहा है। पंचमहल्ले के पास जो डिवाइडर्स लगे हुए हैं, जो 2 व्हीलर्स जा सकते, 4 व्हीलर नहीं जा सक रही, हमने बताया उनको, अब हमने लाइव में भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और चार मीनार बस स्टैंड के अंदर जो कचरा है, जो टीना निकालना है, जो इंतज़ाम होना था वहाँ पर जो है किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं हुए। तो KTR साहब आप जो है और KCR साहब आप ये बताते कि जो हिंदू मुस्लिम दो आंखें मैं देखता हूँ, आज उगादी है, आज रमज़ान शुरू है, तो आपका काम है ऐसे मातहत ऑफिसर्स को जो है ट्रांसफ़र करें, सस्पेंड करें, सख्त एक्शन ले। एडिशनल कमिश्नर रंगनाथ साहब और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी जो है हम अपील करते हैं मीडिया के ज़रिए कि साहब आप जो है आज आप भी जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ पर मक्का मस्जिद को जो है विज़िट करना चाहिए, आना चाहिए कि रमज़ान के इंतज़ाम कैसे है, क्या इंतज़ाम हुए हैं या नहीं है। आइए हम आपको ये रिपोर्ट हमारी बताते हैं कि ट्रैफिक का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जो है चांद रात है, चांद रात पहला दिन है, आज पहली तरावी है, पहली तरावी में इतने मुश्किलात पेश आ रहे हैं। हम लाल बाज़ार का पूरा सारा जो है इसमें वीडियो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है, और ये पेडिस्ट्रेशन जोन के अंदर जो है 2 व्हीलर नहीं जाना है, 4 व्हीलर नहीं जाना है। जब कानून सबके लिए है तो सबके लिए है, 2 व्हीलर के लिए भी उतना ही है, साइकिल के लिए भी उतना ही, लेकिन जो है 2 व्हीलर भी जा रही, 4 व्हीलर भी जा रही। तो हम जो है होम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाह रहे हैं कि साहब ये जो है पेडिस्ट्रेशन के अंदर या फिर 4 व्हीलर आपके लैन ऑर्डर ट्रैफिक जाते हैं तो भी ट्रैफिक के लिए खोल दीजिए। हम आइए हम आपको हमारी रिपोर्ट बताते हैं और हम उम्मीद करते हैं जो हमारी रिपोर्ट बताई गई है, चार मीनार बस स्टैंड के अंदर पार्किंग के इंतज़ाम किए जाएँगे और जो है हम जो निशानदेही करें, पंचमहल पेंशन ऑफिस के पास जो है 5912 गज़ ज़मीन है, हम ये बता रहे हैं कि जो है खिलवत रोड से जो है वालगा होटल से समीरा फंक्शन हॉल तक जो स्टॉल जलते हैं, बिफ़ोर आप स्टॉल जलने से पहले जो है आप ये जगह को जो है साफ़ करवाएं और वहाँ पर जो है जो रोड पर स्टॉल जलते हैं, रोड ब्लॉक होती है, उसके बजाय आप ये जगह पर दीजिए। और पीछे जो है बिस्मिल्ला होटल के पीछे भी जो है लैंड है, वहाँ पर भी जो है लोगों को जो है कारोबार के लिए जो है जगह मुहैया कराइए, क्योंकि यहाँ पर देंगे तो आप जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से जो है यहाँ पर जो है लोग कारोबार भी करते, पार्किंग भी होती। आइए हम आपको ये रिपोर्ट बताते हैं।